हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडुकेशनल गुरु। तो आज मैं आप लोगों को CBSE क्लास 10 इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ चैप्टर वाइज। तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि आखिर मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों दे रहा हूँ और ये आप लोगों के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है। तो डियर, मैं इसलिए ये जानता हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ का 7 ईयर का एक्सपीरियंस है। और अगर आपके पास 10 ईयर्स के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर हैं तब तो कुछ कहना ही नहीं, तब आप खुद भी समझ सकते हैं। मैं क्लास 12th के लिए भी जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया था उनमें से 90% आ गए, टॉपिक्स एंड क्वेश्चन दोनों को मिला के 90%। तो आप समझ सकते हैं कि मैं ये क्वेश्चन क्यों दे रहा हूँ। तो अब है आपकी बारी। तो आज मैं चैप्टर 1 की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता दूँ कि इस चैप्टर से ना के बराबर पिछले 4 सालों में ना के बराबर क्वेश्चन आए थे। एक भी क्वेश्चन आप बोल सकते हैं नहीं पूछे गए थे क्योंकि ना के बराबर है। लेकिन अगर आप लकी या अनलकी हुए तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिडंट लुगी द ड्राइवर अप्रूव ऑफ द 2 बॉयज। आपको इनके आंसर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। अगर आपको ये आंसर क्लियर नहीं दिख रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में allegynotes.in करके जो लिंक है उस पर आप क्लिक करके आप इसे अच्छे से देख सकते हैं वेबसाइट को विजिट करके। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वर द नरेटर एंड हिज कंपेनियन इम्प्रेस्ड बाय द 2 बॉयज। थर्ड, व्हाई वॉज द ऑथर सरप्राइज टू सी निकोला एंड जैकोपो वर्किंग एज सुसाइन बॉयज। और ये क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं। जो क्वेश्चन अगर पूछे अगर जाते हैं तो ये क्वेश्चन 110% आएगा। हाउ वर द बॉयज यूजफुल टू द ऑथर। अगर आप लकी हुए और अनलकी हुए तो ये क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द नरेटर आस्क्स द बॉयज अबाउट देयर प्लान they were evasive, why don't they disclose their problem। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर में आप क्या सकते हैं, वो है हमारा appearances are deceptive, discuss with the reference to the 2 boys। ये क्वेश्चन आपके सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा। appearances are deceptive, इस पे आपके 6 marks के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है, हाउ डज द स्टोरी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना प्रॉमिस होप फॉर द सोसाइटी। ये आपके क्वेश्चन है लेकिन शायद ही आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है हमको। मैं आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट है वो, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैंने आपको पहले 2 क्वेश्चन में बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का आएगा वो ये भी है, The love and devotion and the family values Nicola and Jacopo display। इस पर भी आपको इस स्टेटमेंट पे आपको अपने विचार जो होते हैं वो आपको रखने होंगे। तो आपके आंसर यहाँ पे अच्छे से आपको दिख रहे होंगे, अगर नहीं दिख रहे हैं तो आप वेबसाइट को विजिट करके ज़रूर देख लें। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और नेक्स्ट है, देयर प्राइड इन themselves एंड देयर फैमिली। इस पर भी आप अपने स्टेटमेंट बोलेगा, वेरीफाई दे ब्रीफली एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। और लास्ट क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं वो ये है, द रीज़न द नरेटर डज नॉट डिस्क्लोज टू देम दैट ही नो देयर सीक्रेट। ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का। तो ये लास्ट क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा। तो इस चैप्टर से मैंने आप लोगों को 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।